बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जवाहर यादव का बयान सामने आया है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। अहिरवाल बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया है उन्होंने और 11 सीटों पर इस बार खिलेगा कमल, ये दावा किया जवाहर यादव ने। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, बादशाहपुर में होगी बीजेपी की जीत। तो इस दौरान जवाहर यादव ने कांग्रेस की गुटबाजी पर भी तंज कसा। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जवाहर यादव का यह बड़ा बयान, एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर बोले हैं तो साथ ही साथ कांग्रेस की गुटबाजी पर भी तंज कसा। कहा कि हुड्डा को छोड़ सभी नेताओं का दम घुट रहा है पार्टी में। बादशाहपुर विधानसभा 2024 में 100% बीजेपी की झोली में आएगी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और केवल बादशाहपुर नहीं, अहिरवाल की 11 सीटें हैं, 4 गुड़गावा, 3 रेवाड़ी और 4 महेंद्रगढ़ जिले की। इनमें से 3 सीटें हम हार गए थे, इस बार 11 की 11 सीटें हैं। बादशाहपुर में भी कमल खिलाएंगे, रेवाड़ी में भी कमल खिलाएंगे और महेंद्रगढ़ में भी कमल खिलाएंगे, क्योंकि कांग्रेस वो हुड्डा कांग्रेस होगी, वो कांग्रेस नहीं रही है। तो हुड्डा के परिवार को छोड़कर सभी का दम घुटता है, चाहे वहाँ कैप्टन अजय यादव हो, कुमारी सैलजा हो, अपने किरण चौधरी हो, रणदीप सुरजेवाला वो तो खैर हरियाणा से बाहर ही चला गया है। तो जितने भी यहाँ नेता हैं इनके सबका दम घुटने लगा है और सब ने ये मान लिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस बन के रह गई, ये कांग्रेस रही नहीं है, इसलिए सबका दम घुट रहा है। तो सुना आपने जवाहर यादव का ये बड़ा बयान, उन्होंने अहिरवाल बेल्ट की 11 सीटों पर इस बार कमल खिलने का दावा किया है। बादशाहपुर की बात की जाए, रेवाड़ी की बात की जाए, बात की जाए महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्रों की, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जवाहर यादव का यह बयान। लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी की कुटबाजी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी तंज कस रही है, निशाना साध रही है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कैप्टन अजय यादव का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि पार्टी में दम घुट रहा है, पिछड़ा वर्ग के नेताओं को सही सम्मान नहीं दिया जा रहा है, संगठन में सही जगह नहीं मिल पा रही पिछड़ा वर्ग नेताओं को, और ये कहते हुए अजय यादव ने तंज कसा था। और हमारे साथ खुद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव जी जुड़ गए हैं। अजय यादव जी आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद अजय यादव जी, आपकी ओर से एक टिप्पणी सामने आई, उसका संदर्भ आपने सामने रखा था और कहा था कि पार्टी में दम घुट रहा है पिछड़ा वर्ग को सही सम्मान नहीं मिलने को लेकर, लेकिन अब आपके विरोधी भी उस बयान के हवाले आप पर निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं। जवाहर यादव कह रहे हैं कि हुड्डा गुट को छोड़कर सभी कदम घुट रहा है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बयान से? देखिए ऐसा है, मेरी प्रभारी जी से बात होगी है और जिन लोगों को एडजस्ट नहीं किया गया था जी उनको उच्च स्थान दिया जाएगा, ठीक है। और जहां तक बात है जवाहर यादव जी की, वो अपनी पार्टी का ख्याल रखें, ठीक है ना। हाँ जी, लेकिन अजय यादव जी, जी माफ कीजिएगा बात पूरी करें, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप उनकी पार्टी में जो है अपनी पार्टी का ध्यान रखें। अभी वो ओएसडी थे, अभी ओएसडी की पोस्ट छोड़ के अब वो जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो अपने बादशाहपुर में तैयारी करें जी। लेकिन अजय यादव जी, जिस तरह से आपने कहा कि फोन पर बात की बातचीत हुई है, मामला अब सुलझ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके विरोधी भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग इनेलो पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं। कोई जी कोई कोई बहुत बड़ा नेता कोई टिप्पणी करे तो मेरे को तो रामविलास शर्मा जी ने भी कहा कि आप आ जाइए, मुझे जो है दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आ जाइए, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं पार्टी में। ये एक बात मैंने कही थी, जब पूरा बयान आपने नहीं पढ़ा कि चाहे मैं एक प्राइमरी मेंबर के तौर पे काम करूं, जब तक सोनिया गांधी जी हैं तब तक मैं कभी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। उस बयान को भी पढ़ लीजिए ना आप, ठीक है ना। नहीं अजय यादव जी, मैंने स्पष्ट किया, मैंने कहा कि आपने संदर्भ दिया उस चीज का, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपके विरोधी खेमे के बातचीत होगी है, मेरी हाईकमान से बातचीत होगी है। कल मैं रांची भी गया था जी, वहाँ मैं राहुल गांधी जी से मिल लिया हूँ मैं, और जो है अब
पार्टी में चलता रहता है मामला, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक और बड़ा दावा किया है जवाहर यादव ने, उन्होंने कहा है कि अहिरवाल बेल्ट की 11 सीटों पर इस बार कमल खिलेगा। अहिरवाल में कांग्रेस अच्छा स्ट्राइक रेट रखती है, लेकिन जवाहर यादव कह रहे हैं कि 11 सीटों पर इस बार कमल खिलने का काम होगा। ऐसा है कि हर हर पार्टी, कोई पार्टी ये कहती है कि मैं सारी सीटें नहीं जीतूंगा, सपने लेना इस तरह के सपने लेना उनका अधिकार है, तो अपना सपना देखते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है, कहने से कोई जीत जाती है। यहाँ पर मोदी जी नहीं आए थे क्या जब 2019 में जी जिस दिन चुनाव था, चुनाव से जो आखिरी जो मीटिंग थी, मोदी जी स्वयं रेवाड़ी आए थे और हमने अपना बाजार के अंदर अपना जुलूस निकाला था। और 2019 में तो आप के चैनल वाले दिखा रहे थे 4 से 7 सीट आएंगे हमारी। आज जो है हरियाणा में हर व्यक्ति कह रहा है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी जी, तो चिरंजीव जो है भारी मतों जीतेगा, बाकी हम जितने भी सीटें अहिरवाल की वहाँ कांग्रेस स्वीप करेगी जी। कैप्टन अजय यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम और पूरी बातचीत के लिए। तो कैप्टन अजय यादव का दावा है कि इस बार अहिरवाल में कांग्रेस पार्टी विजय पताका फहराएगी। दूसरी तरफ जवाहर यादव कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, कि भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर, महेंद्रगढ़ की बात करें, रेवाड़ी जिले के विधानसभा क्षेत्रों की बात करें या फिर अन्य विधानसभा क्षेत्र जो अहिरवाल बेल्ट में आती हैं, उसमें कमल खिलेगा। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, प्रदेश का सियासी पारा हाई बना हुआ है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जवाहर यादव का यह बयान सामने आया, उन्होंने जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत का दावा किया है, तो साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी, हालांकि कैप्टन अजय यादव स्पष्ट कर रहे हैं कि अब बातचीत बन चुकी है, राहुल गांधी से मुलाकात की है और जो उनको कहना था वो कह चुके हैं।